हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे 6:30 और मैं जा रही हूँ अभी रेलवे स्टेशन। यार मैंने तो इंट्रोडक्शन पर अच्छे से नहीं दिया। मैं हूँ नीतू और स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में और आज एक नए ब्लॉग में। तो मैं स्टेशन जा रही हूँ, कौन आ रहे वो आपको पता चलेगा। और ठंडक बहुत ठंड है, सुबह सुबह मैं हमेशा जल्दी उठती नहीं हूँ तो पता नहीं चलता है कि ठंड है या नहीं, लेकिन अभी ठंड लग रहा है। और चलिए स्टेशन जाकर घर आकर मिलते हैं। ठंड है सो, और यहाँ उजाला हो चुका है, देखिए 6:30 बज रहा है। तो बने रहिए ब्लॉग में। यह स्टेशन का ये एक चीज़ मुझे नहीं पसंद है, स्टेप्स, यानी कि स्टेज चढ़ना, 3 फ्लोर चढ़कर जाना है और लिफ्ट भी नहीं है। चलिए सुबह सुबह एक्सरसाइज भी हो जा रहा है, ऐसे सुबह उठकर कभी एक्सरसाइज नहीं करती हूँ मैं, इसलिए मेरी ऐसी हालत है। हाँ, सांस फूलने लगी। दो, ये तो अभी 2nd फ्लोर ही है। ओह माय गॉड, तो बनी रहिए ब्लॉग में, स्टेशन पहुँचने वाले हैं, मिलते हैं आपसे। इतना सारा सामान है, ये भी। अच्छा मैं ले लेती ना, उठ चल जाता। इतना सारा सामान क्या लेके आए? दूध आया, दूध। तुमने नहीं गई ना स्टेशन? हाँ, क्यों नहीं गई? स्कूल नहीं जाती, उसकी मौसी आई ना, इसीलिए है ना मुन्नी जाएगी। आज मज मौसी आए, नानी आए तो नहीं जाओ? हाँ, उसका बाल अब घना हो गया। तेल का कमाल है माँ, तेल का कमाल। कौन सा तेल है? सब उसका वाइट बाल था से काला कर दी। कितना सारा टेडी बेयर है? बहुत सारा है। लो कैसे बांध के गलती ने गंद दिया। कल ले रही थी वो, मतलब कि मम्मी नानी लेके आती है। रुक जा, अच्छा दोए तो नहीं है ये रोपे के हो? ये रोपने का है, देख ना दे, इतना मटिया में, ये मटिया ने बड़ी बढ़िया हो तो इतना काट के ना पापा लगन थी, इतना हो जाए इतना से ये वाला लगा दे रे भाई। कहा क्या है ले मुनि का केतारी? सुटर पहले कहां सुटर? दो का चल के ना, एको का हड्डी के जा रसवा गा के पी जी ठंडा नहीं है। भुजिया भी बनाए सविता, क्यों भाग के रहे हैं? इतना वजन भार लेता ना, इतना भारी हो गया। ये अचार कर ले लेके, अचार है मेरे पास। हमारा का मन कही के गांव से आई थी तो सब खाई थी। ये क्या है? क्या क्या लेके? हाँ, मुन्नी की जैसा टिफिन बॉक्स है ना। हाँ निकाल लेंगे ना मुन्नी, क्या है? मुन्नी का निकाल। वाह, सूजी का लड्डू, ये भी लग रहा बड़ी मम्मी बना के दिए है ना। बड़ी मामी है, मामी है, बड़ी मामी बोली। तो तेरा कैसे सूटर पहने? तो ढेर सारा है।
एक दिशा कल पापा जरी सुन खेल थे एक फूल का है ना पौधा जा जरी इतना लगाना फिर जाकर इसमें भी है देख फूल के पौधे हाँ उसमें भी है तेरा निकालने वाला देख बैंगन है ये तो मैं मंगाई थी यहाँ पे मसाला बैंगन का ये बैंगन नहीं मिलता सब बोलते हैं ना अरे ये बैंगन यार अमित जी के बिहार में नहीं पूछते सही में बोलते इतना छोटा क्या अरे ये वो पेड़वा में इतना इतना महंगा मिलता है 80 रुपया से किलो से कम नहीं मिलता नहीं 60 रुपये देखे हाँ और गांव में इसको क्या जानवर भी नहीं खा रहा जानवर से भी गैर कुछ रहते हम लोग ये खाते वीडियो देखने वाले बहुत लग हैदराबाद वाले एक एक बार में इतना बैंगन है मसाला बैंगन अच्छा लगता और क्या क्या है भुंजा लेकर आई है और दाल मोट है भुंजा गांव से भी आया सीम है अरे यहाँ सब्जी नहीं मिलता सब्जी उठा के लेकर ये आलू 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 बिस्किट है या दुकान खोल रही हूँ बिस्किट का बिस्किट ले लो बिस्किट सुबह में बैठ जाती हूँ वहाँ पर सुबह सुबह चाय और चाय एक सस्पेंस थे चाय बनाएंगे बिस्किट रखेंगे चाय गरम गरम चाय ना मुन्नी ये है पेठा कहाँ से मिल गया गांव से ये हैदराबाद बिस्किट हर सही में इतना बड़ा अच्छा है हमेशा आती रहा जब मेरे को डब्बा मिल जाता डब्बा लेके जाती थी आए ओ नहीं नहीं डब्बा वापस नहीं मिलता आटा खाली करके लेके आई चावल है मोटा चावल केकरा ही से पूछ के तरना पलिया जाके लेके ले चावल इसमें दीदी लेके आए बनाते नहीं इसमें भी ये कहाँ से बनाई और क्या कर रोज बिस्किट मुन्नी इतना जल्दी बनाई बोले कि अभी नहीं मिलता डीमार्ट से पैकेट लाई थी तो उसका ही बना दी संक्रांत का भी खिचड़ी आ गया मेरा भी है बहुत सारा है क्या आ गया नहीं दूर रहने का फायदा पास रहे तो नहीं पूछते दूर है तो कम से कम इतना मिल रहा है और है एक डब्बे में बॉटल पानी का है क्या है इसमें मुरकुल का स्मेल आ रहा हाँ अब पालूंगा नीचे ये सब बना कर मुरकुल ढेर सारा है लड्डू है गुजिया है मुरकुल है इसमें ये अपल अर्शल है खरीद के लाई ये भी बनाई इतना सारा टाइम कहाँ मिल गया बनाने का असल ले ले मुन्नी के लिए भी है वाह इतना सारा आए मुन्नी का हेयर बैंड लेके आई ले लो पहन के दिखाना ये ले इसलिए भारी है वो कहाँ भारी था वो झोला गेंदरा तो मेरे पास नहीं है सही में मशीन में सिला के लेकर मशीन सिलवा कर लेकर आए हाँ फिर नहीं तो साड़ी था पूरा रखल तो मैं सिला दी तेरा है तू सिलाए हाँ फिर काम आता बोल के लेके आई हूँ हाँ मेरे पास नहीं है अभी आते ना बोलो बोल के बिछा के सोने के लिए मैं दीदी नीचे सोते हैं यही बिछा कर हम केंद्रा अपने लिए लेके आए क्या सिला करके बाहर के गए तो सोने को नहीं मिलता नीचे बिछा के सो जाना हाँ इतना सारा इतना जाए गई तो पूरे खाली हो जाता हाँ आरती दे दो
आज मुन्नी किससे रेडी हुई? मुन्नी को कौन रेडी कर रहा है? चलो जा रेडी नानी। हाँ चलो रेडी हो जा। इधर इधर क्या बुट्टू? अब हाँ लगाओ जल्दी। ये आज पूरा काम नानी से करा रही है। पूजा वूजा करके जा रहे है। एक नया सीखिए क्या करके जाती देखना। कहाँ गए? खुश रहे। कहाँ गए दीदी? बो 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 मुन्नी चल गई है स्कूल और यहाँ मैं बना रही हूँ रोटी हस्बैंड के लिए। यहाँ पे बन गया है ठीक है। और हम अपने लिए बनाए हैं इडली। तो मेरे हस्बैंड भी खाते हैं इडली, उनको नहीं पसंद है, वो रोटी खाएंगे। तो उनके लिए रोटी है, घी लगा कर बना रहे हैं। और हम लोग के लिए चटनी और इडली। मम्मी खाना खा लिए मतलब अपना ब्रेकफास्ट कर लें। मैं और दीदी तय है, अभी दीदी नहा रहे तो जैसे ही आ जाएंगे नहा कर मैं खाना खा कर नहाऊँगी। तो बनी हुई है ब्लॉग में ढेर सारा, आपने देखा ना कितना सारा सामान लेकर आए हैं खाने के साथ, वो भी बना कर खरीद के भी नहीं। तो बहुत अच्छा लगा। तो मेरी भाभी भी भेजे हैं तो देखियो भाभी, और दीदी भी बना के लेकर आए हैं। सकरात में ऐसे भाभी आने वाले थी बट अभी नहीं आ रहे, फिर कभी आएंगे। और मम्मी पापा मम्मी और दीदी आए हैं हस्बैंड से ही मिलने के लिए, हस्बैंड को ही देखने। तबीयत ख़राब तो मम्मी नहीं थे, गांव चले गए थे इसलिए तभी नहीं आए। और ब्लॉग में बने रहिए, मिलते हैं हम ब्रेकफास्ट करने के बाद। का चाय है, डाइटिंग कर रही है कदे बहुत गुड़ डालल है। ये मम्मी बोली नहीं डालना चीनी, गुड़ वाला ज़्यादा मीठा नहीं लगता ना। थोड़ा भी नहीं। मम्मी भूरा क्या गिलाई ना वो डाल, इसलिए मीठा नहीं दिख रहा। अच्छा अच्छा चूड़ा में खाने वाला खाली गुड़वा भेलिया हो गए तो ले ले वो गए तो कि ना लेके आते ना धूप में बैठ के चाय। हाँ वही नहला के भेजा। आते आते काम में लग गया। ओला ओला कोड़ा ए इसको छीबिना छीले बना रही है, इसको छील के बनाते ना। आगे चुप चाप रह क्या मच्छर। देखिए वो अच्छा लगता छिलका के साथ। वही से ना जैसन तो नहीं है, जैसन तैसन खा। हम लोग को यही सिखाई न पहले एक और खा था कल कोहरा, ये कच्चा कोहरा है। हाँ तो ऐसा बोलना पर यही हाँ सीजेत है। ए मम्मी लोगों को कितना भी करे ऐसा लगता के लोगों को हम लोग को खाना बनाने ही नहीं आता। नहीं आता नहीं आता का बो छोलनी छोलनी है देखिए तो नहीं आंगू बनल का आदमी आना रही होगी। सीम काट रहे हैं कभी क्या कोहरा जैसा इन लोगों को कभी ये सब खाने को मैं पनीर उनीर लेके की बनाएंगे तो ये लोग पनीर फनीर वो तो रोज खाती था उधर खाती था दे रहे हैं ना। तो बिरयानी चिकन के कतो चले चिकन बिरयानी फ्राइडे के दिन, फ्राइडे के दिन चल जाती है हम लोग की टिक्का टिक नहीं चिक्का करते टिक्का चिकन बिरयानी वाला बना देती फ्राइडे के दिन। फ्राइडे के दिन तो चल तो फ्राइडे शाम को ना जाना है। ब्लॉग बहुत बड़ा हो रहा है, मैं यही कट करने वाली हूँ अब। और ये 8 साल में पहले बार आई है शादी कर बात कभी नहीं आए, फर्स्ट टाइम हुई बैक है। मामा मराठे हैं ना तो मम्मी अपना कहानी बोलना स्टार्ट कर रही है। आज तो कैसा लगा बैंगलोर आके? अभी तो कहीं घूमी नहीं, अभी तो घर में ही बैठी कहीं जाना नहीं पैसा के उभरी गई है। कैसा लगा बोलो, बोलने ही नहीं देते बस आके। और कैसा दिखती आके? कैसा लगा? ठीक है अभी तो आई जाने जाने टाइम ये ऐसे बोलती है अभी तो
चलिए ब्लॉग को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, यहाँ से मैं कंटिन्यू करूंगी। एलंगोला स्टार्ट कर दे रहे हैं, चलिए सुनने वाली नहीं है मम्मी। मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ, ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, और नए कोई जुड़े हैं चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे बन रहा है कोड़ा का सब्जी, आप लोग क्या बोलते हैं इसको पता नहीं, कद्दू बोलते होंगे हम लोग, कद्दू लौकी को कद्दू बोलते हैं, इसको कोहड़ा बोलते हैं। ये देखा है सब्जी यहाँ बन रहा है, ये मम्मी खाएंगे, मैं बनाऊंगी मशरूम के साथ। क्या बनाऊंगी, हाँ मैं बता दी हूँ, इसे मशरूम ही बनाऊंगी, वो नेक्स्ट ब्लॉग में कंटिन्यू करती हूँ। तो चलिए यहाँ पे बर्तन भी धुल चुके हैं, देखिए इसको मैं जब पानी पूरा यहाँ सूख जाएगा तो मैं रखूँगी स्टैंड पर। मैं जा रही हूँ अब नहाने और नेक्स्ट ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, मैं भी बोलते ही जा रही हूँ बाय बाय। और बाय बोल दी हूँ लेकिन नहीं, इतना सारा सामान आया हैदराबाद से, मुझे बहुत अच्छा लगा सबसे ज़्यादा। तो मैं जैसे पहले भी बताई हूँ कि घर से बना हुआ है, इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है घर के बने हुए चीज़ें। तो चलिए अब मैं एंड कर रही हूँ, बाय बाय। इतना मेहनत करके मेरे लिए बना के लेके आए, सभी के लिए थैंक यू, दीदी मम्मी और मेरे भाभी, बाय।